Alaikum viewers this is Anmol Nasir Qureshi welcome to English with Anmol. karti aap tamam log In our previous lecture we discussed some of the important topics related to origin and development of the language and we also discussed some of the theories related to the origination of the language. In today's lesson we're going to discuss two other topics related to the language. Number one प्रॉपर्टीज ऑफ लैंग्वेज नंबर टू करैक्टरिस्टिक्स ऑफ लैंग्वेज एक्चुअली वही को ना डिस्कस वॉट मेक्स लैंग्वेज अ लैंग्वेज लैंग्वेज को क्या चीज़ लैंग्वेज बनाती है वो कौन से ऐसे पैरामीटर्स हैं प्रॉपर्टीज़ हैं करैक्टरिस्टिक्स हैं जो कि लैंग्वेज को लैंग्वेज बनाती है लेट्स स्टार्ट फर्स्टली वही को ना डिस्कस द प्रॉपर्टीज़ ऑफ लैंग्वेज लैंग्वेज के अंदर ऐसी कौन सी खसूसियात हैं जो कि लैंग्वेज को लैंग्वेज बनाती हैं हियर वी हैव सिक्स डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ ऑफ लैंग्वेज नंबर वन डिस्प्लेसमेंट नंबर टू प्रोडक्टिविटी नंबर थ्री आर्बिट्रेनिनेस नंबर फोर डिस्क्रीटनेस नंबर फाइव डिटी नंबर सिक्स कल्चरल ट्रांसमिशन नाउ वी विल डिस्कस दम वन बाय वन डिस्प्लेसमेंट डिस्प्लेसमेंट लैंग्वेज की वो क्वालिटी है जिसमें हम लोग आपस में कम्युनिकेट कर सकते हैं प्रेजेंट जो कि चल रहा है पास्ट जो कि गुजर चुका है और फ्यूचर जो कि होने वाला है तो हम हर तरह के टाइम को डिस्कस कर सकते हैं पास्ट को भी प्रेजेंट को भी और फ्यूचर को भी प्रोडक्टिविटी प्रोडक्टिविटी एक तरह से क्रिएटिविटी है हमारे पास लैंग्वेज में लिमिटेड नंबर ऑफ़ लेटर्स हैं फॉर सपोज़ हमारे पास इंग्लिश लैंग्वेज है तो उसके हमारे पास लिमिटेड लेटर्स हैं उन लेटर्स को हम लोग डिफरेंट वेज से कंबाइन करते हुए डिफरेंट वर्ड्स बनाते हैं इसी तरह हमारे पास जब वर्ड्स आ जाते हैं तो हम उन वर्ड्स को मुख्तलिफ़ तरीक़ों से मिला के डिफरेंट सेंटेंसेस बनाते हैं तो इस तरह के जो कॉम्बिनेशन हम लोग क्रिएट करते हैं उसको कहा जाता है प्रोडक्टिविटी सो लैंग्वेज इज़ प्रोडक्टिव हम लिमिटेड चीज़ों में से अनलिमिटेड चीज़ें बना सकते हैं फाइनाइट में से इनफाइनाइट स्ट्रक्चर्स डेवलप कर सकते हैं आर्बिट्रेरिनस आर्बिट्रेरिनस का मकसद है रैंडम चॉइस आर्बिट्रेरिनस लैंग्वेज की वो प्रॉपर्टी है जिसमें हम लोगों ने वर्ड्स और सैम्बल्स को डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स के साथ एसोसिएट किया हुआ है हम लोगों ने खुद से ऑब्जेक्ट्स को मीनिंग्स दी हुई हैं कि ये वर्ड इस ऑब्जेक्ट को सिंबलाइज़ करता है अदरवाइज देयर इज़ नो नेचुरल कनेक्शन बिटवीन लिंग्विस्टिक फॉर्म एंड इट्स मीनिंग एग्जिस्ट ठीक है कभी भी कोई नेचुरल कनेक्शन नहीं है किसी भी वर्ड का किसी ऑब्जेक्ट के साथ ये हम लोगों ने खुद से क्रिएट किया हुआ है ये इंसानों ने क्रिएट किया है कि ये वर्ड या फिर ये सैम्बल इस ऑब्जेक्ट को परसीव करने के लिए यूज़ किया जाएगा डिस्क्रीटनेस डिस्क्रीटनेस के मायने है सेपरेट डिस्टिंक्ट मुख्तलफ ठीक है डिस्क्रीटनेस लैंग्वेज की वो प्रॉपर्टी है जिस तरह हमारे पास लैंग्वेज के अंदर डिफरेंट साउंड्स हैं डिफरेंट साउंड्स के डिफरेंट मीनिंग्स हैं अगर हम लोग किसी चीज़ का साउंड चेंज कर लेंगे तो मीनिंग भी चेंज हो जाएगी ठीक है ईच साउंड इज़ ट्रीटेड एज अ डिस्क्रीट यूनिट हर एक साउंड डिफरेंट मीनिंग रखता है हम कभी भी जब एक साउंड चेंज करेंगे तो मीनिंग चेंज हो जाएगी हम इसको एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं फॉर एग्ज़ाम्पल वी हैव अ सेंटेंस कैन अ पार्क हियर अ पार्क जो है उसमें प की जगह अगर बस साउंड यूज़ किया जाए तो सेंटेंस की मीनिंग चेंज हो जाएगी ड्वेलिटी ड्वेलिटी मीन्स ड्वेलनेस और पोलैरिटी लैंग्वेज की ये वो प्रॉपर्टी है जिसके अंदर हम लोग डिफरेंट लेटर्स को रीअरेंज करते हुए डोल्व मीनिंग्स निकालते हैं डोल्व वर्ड्स बनाते हैं फॉर सपोज वी हैव लेटर्स एल ए के एंड ई अभी इन्हीं लेटर्स को हम लोग रीअरेंज करेंगे और दो डिफरेंट वर्ड्स क्रिएट करेंगे और फर्स्ट वर्ड इज़ एल ए के ई लेक सेकेंड वर्न इज एल ई ए की लीक ठीक है तो ये लेटर्स की एक लैंग्वेज की ऐसी प्रॉपर्टी है जो डबल फंक्शंस परफॉर्म कर रही हैं वी आर गेटिंग डबल मीनिंग्स टू मीनिंग्स बाय जस्ट वी अरेंजिंग द लेटर्स एट लास्ट वी हैव कल्चरल ट्रांसमिशन लैंग्वेज कल्चर से ट्रांसफ़र होती है क्योंकि लैंग्वेज कल्चर का हिस्सा है ठीक है लोग आपस में रहते हैं तो वो एक कल्चर शेयर करते हैं और उसी कल्चर से लैंग्वेज भी शेयर होती है लैंग्वेज कभी भी पेरेंटल जीन्स से नहीं आती वो कल्चर से सीखते हैं लोगों के पास लैंग्वेज ट्रांसफ़र होती है थ्रू कल्चर नाउ लेट्स डिस्कस अर नेक्स्ट टॉपिक दैट इज करैक्टरिस्टिक्स ऑफ लैंग्वेज वी हैव टेन डिफरेंट करेक्टरिस्टिक्स ऑफ लैंग्वेज नंबर वन लैंग्वेज इज़ आर्बिट्रेरी नंबर टू लैंग्वेज इज़ सोशल Number three, language is symbolic. Number four, language is systematic. Number five, language is vocal, verbal, and sound. Number six, language is non instinctive and conventional. Language is productive and creative. Number eight, language is a system of communication. Number nine, language is humanly and structurally complex. नंबर टेन लैंग्वेज इज़ यूनिक कॉम्प्लेक्स एंड मॉडिफाइबल नाउ वी विल डिस्कस देम वन बाय वन सो वेरी फर्स्ट करेक्टरिस्टिक्स ऑफ लैंग्वेज इज लैंग्वेज इज़ आर्बिट्रेरी ये हम पीछे भी डिस्कस करके आ चुके हैं कि हमारे पास जो वर्ड्स हैं सिंबल्स हैं उनके मीनिंग्स कभी भी नेचुरली उनके साथ एसोसिएटेड नहीं थे ये लोगों ने खुद से परसेप्शन बनाया कि इस वर्ड के साथ ये मीनिंग एसोसिएट है तो ये सारी ह्यूमनली क्रिएशन है ये ह्यूमन बींग्स ने की है इट्स नॉट नेचुरल नंबर टू लैंग्वेज इज़ सोशल बिल्कुल लैंग्वेज जो है सोसाइटी में बोली जाती है ठीक है वो सोशल किस तरीके से है क्योंकि लैंग्वेज हम क्यों इस्तेमाल कर रहे हैं फॉर द पर्पज़ ऑफ कम्युनिकेशन फॉर शेयरिंग आवर आइडियाज़ मोशंस थाट्स ठीक है ideas, emotions, thoughts, तो हम लोग आपस में बातचीत करने के लिए इस्तेमाल करते हैं ना लैंग्वेज दैट्स वाई लैंग्वेज इज़ सोशल और हम लोग लैंग्वेज को यूज़ करते हुए डिफरेंट फंक्शंस परफॉर्म कर रहे होते हैं डिफरेंट रिलेशनशिप्स बिल्ड कर रहे होते हैं ठीक है तो लैंग्वेज वर्क्स इन अ सोशल सेटिंग थर्ड लैंग्वेज इज़ सिंबॉलिक लैंग्वेज सिंबॉलिक सिस्टम रखती है हमारे पास डिफरेंट साउंड्स हैं और सिंबल्स हैं ठीक है आइडियाज़ कॉन्सेप्ट और ऑब्जेक्ट्स को डिनोट करने के लिए हम लोग डिफरेंट सिंबल्स यूज़ करते हैं तो इसीलिए कहा जा रहा है कि लैंग्वेज जो है सिंबॉलिक होती है जिससे हम लोग डिफरेंट मीनिंग्स डिनोट करते हैं नंबर फोर लैंग्वेज इज़ सिस्टमैटिक लैंग्वेज जो है सिस्टमैटिक है किस तरीके से क्योंकि हर एक लैंग्वेज के पास रूल्स हैं कन्वेंशनस हैं पैटर्न्स हैं हमारे पास कुछ नॉर्म्स होते हैं हम लोग उसको फॉलो करते हुए लैंग्वेज को यूज़ करते हैं तो लैंग्वेज सिस्टमैटिक है लैंग्वेज ख़ुद एक बड़ा सिस्टम है और उसके नीचे सब सिस्टम्स हैं फॉर सपोज वी हैफिनलॉजी मोर्फोलॉजी सिंटैक्स फ्रैगमेटिक्स लैगिकन ये सारे सब सिस्टम्स हैं लैंग्वेज की इन सब चीज़ों का कॉम्बिनेशन जो है वो लैंग्वेज को बनाता है ठीक है लैंग्वेज इज सिस्टमेटिक बिकॉज़ वी हैव सेट ऑफ रूल्स टू फॉलो नंबर फाइव लैंग्वेज इज़ वोकल वर्बल एंड साउंड ठीक है लैंग्वेज के पास वर्बल एलिमेंट्स होते हैं साउंड्स होते हैं वर्ड्स होते हैं ये वोकल कैसे है वर्बल कैसे है क्योंकि जब हम लोग लैंग्वेज प्रोड्यूस कर रहे होते हैं तो हमारे आर्टिकुलेट्री ऑर्गन्स इन्वॉल्व होते हैं जिनको हम स्पीच ऑर्गन्स भी कहते हैं जिससे हम लोग डिफरेंट साउंड्स क्रिएट करते हैं सो दैट्स वाई वी आर कॉलिंग लैंग्वेज इज़ वोकल वर्बल एंड साउंड नंबर सिक्स लैंग्वेज इज़ नॉन इंस्टिंगटिव एंड कन्वेंशनल लैंग्वेज कभी भी एक दिन में नहीं बनती ठीक है ये कभी भी कुछ घंटों का प्रोसेस नहीं है कि लैंग्वेज बन गई और सब ने बोलना शुरू कर दिया ये एक ग्रेजुअल प्रोसेस है आहिस्ता आहिस्ता करके एक लैंग्वेज अपनी फॉर्म में आती है ठीक है सो इट्स नॉन इंस्टिंगटिव सेकेंडली वी हैव लैंग्वेज इज़ कन्वेंशनल ठीक है लैंग्वेज के जो मीनिंग्स हैं वो जनरेशन टू जनरेशन ट्रांसफ़र होते हैं ठीक है जो हमने कन्वेंशनस जो हमने उसके साथ मीनिंग्स एसोसिएट की हुई हैं तो ये सब जो है जनरेशन टू जनरेशन ट्रांसफ़र होती चली जाती हैं नंबर सेवन लैंग्वेज इज़ प्रोडक्टिव एंड क्रिएटिव ह्यूमन लैंग्वेज जो है वो प्रोडक्टिव और क्रिएटिव है किस तरह से हमारे पास लिमिटेड नंबर ऑफ़ वर्ड्स होते हैं सेंटेंसेस होते हैं लेकिन हम लोग उसको डिफरेंट वेज से कंबाइन करते हैं एक चीज़ को बोलने के लिए हम लोग डिफरेंट वर्ड्स यूज़ कर सकते हैं तो इसी कहा जाता है कि लैंग्वेज क्रिएटिव है हम लोग लिमिटेड स्ट्रक्चर से अनलिमिटेड स्ट्रक्चर्स बना सकते हैं और लैंग्वेज जो है उसको हम लोग चेंज कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू द टाइम अकॉर्डिंग टू द नीड सो दैट्स व्हाई वी कॉल लैंग्वेज इज़ प्रोडक्टिव एंड क्रिएटिव नंबर एट लैंग्वेज इज़ अ सिस्टम ऑफ कम्युनिकेशन लैंग्वेज एक कम्युनिकेशन का सिस्टम है कम्युनिकेशन क्या है इंटरेक्शन हम जो आपस में बातचीत कर रहे होते हैं वो एक्सचेंज और आइडियाज़ थॉट्स इमोशंस डिज़ायर्स ये क्या है किसके थ्रू करते हैं लैंग्वेज के थ्रू ठीक है लैंग्वेज हमें हेल्प करती है कि हम एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट कर सकें कम्युनिकेट कर सकें और ये स्ट्रक्चर्ड सिस्टम है जिसमें हमारे पास ग्रामर है वोकेबलरी है हमें कुछ रूल्स फॉलो करने पड़ते हैं सो लैंग्वेज इज़ अ सिस्टम ऑफ़ कम्युनिकेशन नंबर नाइन लैंग्वेज इज़ ह्यूमनली एंड स्ट्रक्चरली कॉम्प्लेक्स लैंग्वेज नेचुरली ह्यूमन्स के साथ एसोसिएटेड है ह्यूमन्स के पास ही एबिलिटी है कि वो लैंग्वेज को अक्वायर कर सके, लर्न कर सकें ठीक है जिस तरह एनिमल्स हैं तो वो हमारी तरह की लैंग्वेज नहीं बोल सकते बिकॉज दे डोंट हैव दैट एबिलिटी एंड ह्यूमन लैंग्वेज इज़ एक्सटेंडेबल एंड एडोपटेबल ठीक है ये स्ट्रक्चरली कॉम्प्लेक्स है नंबर टेन लैंग्वेज इज़ यूनिक कॉम्प्लेक्स एंड मॉडिफाइबल लैंग्वेज यूनिक किस तरह से है हर एक लैंग्वेज कुछ डिफरेंट फीचर्स रखती है उनकी प्रोनाउंसिएशन चेंज हो सकती है वोकेबलरी डिफरेंट हो सकती है ठीक है तो हर एक लैंग्वेज यूनिक है एंड लैंग्वेज इज़ कॉम्प्लेक्स बिकॉज ईच लैंग्वेज इज़ क्रिएटिव एंड प्रोडक्टिव हम लोग सिंपल से कॉम्प्लेक्स की तरफ जा सकते हैं सिंपल स्ट्रक्चर से कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर्स प्रोड्यूस कर सकते हैं एंड लैंग्वेज इज़ मॉडिफाइबल लैंग्वेज को अपने अपने टाइम के मुताबिक अपनी नीड्स के मुताबिक चेंज किया जा सकता है तो लैंग्वेज इज़ नॉट समथिंग दैट इज़ कॉन्स्टेंट ठीक है ये डायनमिक है हम इसको चेंज कर सकते हैं एडजस्ट कर सकते हैं सो दीज द प्रॉपर्टीज एंड करेक्टरिस्टिक्स ऑफ लैंग्वेज अब लोगों ने काफ़ी सारी प्रॉपर्टीज़ और करेक्टरिस्टिक्स को डिस्कस किया है जो लैंग्वेज को लैंग्वेज बनाते हैं सो दैट्स ऑल अबाउट द टुडेज लेसन इफ यू रियली लर्न समथिंग लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब थैंक यू